ओलंपिक से बड़ी अपडेट, चौथे पोजीशन पर रही मनु भाकर, 25 मीटर एयर पिस्टल में मेडल से मनु भाकर चूक गई है। थोड़ा सा अफसोस करने वाला गेम है, पर ऐसा लग रहा है इस गेम में मनु भाकर ने बहुत ही अच्छा किया, नहीं बल्कि जीत गई हो यार। अगर आप देखें पॉइंट की बराबरी रही है, सिर्फ शुरुआत की जो बढ़त थी उसकी वजह से उस खिलाड़ी मतलब की जो खिलाड़ी थी हंगरी की वो यहाँ पर आगे ले गई। ये गेम जीतना था हमारा, मेडल पक्का हो जाता। मनु भाकर यहाँ पर मेडल से चूक गई और भारत का जो चौथा मेडल जीतने का जो हम सपना था वो यहाँ पर चूका है। मनु भाकर जो मेडल की हैट्रिक लगाने वाली थी वो चूक गई है। तो पेरिस ओलंपिक से 25 मीटर पिस्टल से बड़ी अपडेट, मनु भाकर के इवेंट से बड़ी अपडेट कि मनु भाकर यहाँ पर मेडल जीतने से चूक गई, नंबर 4 पर रही, लेकिन प्रदर्शन उन्होंने ऐसा किया कि लोगों का दिल जीत लिया। सामने वाली टीम का पॉइंट टू पॉइंट फाइट होने के बाद सामने वाली के कोचिंग स्टाफ, सामने वाले को दर्शक सब हैरान परेशान थे, भाई हुआ क्या है। ये तो ऐसा लग रहा था कि जो होता नहीं कि थर्ड अंपायर के पास निर्णय चला गया है, कैच जमीन पर टच कर रहा है, क्या निर्णय आएगा, ये मामला वहां पर पहुंच गया था। अब यहां पर हुआ क्या, बराबरी पर भी थी पर वो जीत गई क्योंकि उनका आगे जो थी बढ़त थी थोड़ी, ये मामला थोड़ा यहां पर परेशान कर गया। और उधर अगर आप देखें नंबर 1 की लड़ाई में भी अलग ही फाइट चल रही है, फ्रांस और कोरिया के बीच में सब 32-32 पे बराबर चल रहा है, एक पॉइंट है, दोनों को शॉर्ट करना है, देखना है कौन जीतेगा। यहां पर मामला 33 का हो गया, इधर भी मामला 33 का हो गया, ये तो मुकाबले शूटिंग के, दोनों 33-33 पर बराबर है, देखना पड़ेगा विनर कौन है। तो ये पेरिस ओलंपिक में भाई रोमांच जो है वो अलग ही है, अलग ही लेवल का है। मनु भाकर की बात करें तो यही कह सकते हैं कि मनु भाकर ने बहुत ही शानदार किया ही है और सभी देशवासियों को उन पर प्राउड है। ओलंपिक में 2 मेडल जीतना कहीं से भी आसान नहीं है, एक मेडल जीतने में हालत खराब हो जाती है, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक यहां पर बात कर ली जाए 25 मीटर पिस्टल इवेंट में अब हंगरी के खिलाड़ी अगर आप देखिए तीसरे प्लेस पर रही, 31 पॉइंट उन्होंने किया, 2 पॉइंट कम कर देती हमारे वाले जीत जाते। यहां पर अगर आप देखें तो ये अपडेट आ गई है, फिर से अगर आप देखें जो पॉइंट्स आ गई है, 1 पर फ्रांस, 2 पर कोरिया पीछे हो गया आखिरी में जाकर, जो शुरुआत से बढ़त बना के रखा हुआ था, नंबर 3 पर हंगरी, नंबर 4 पर भारत के खिलाड़ी रही। तो पेरिस ओलंपिक से बड़ी अपडेट कि भारत यहां पर मेडल से जरूर चूका है शूटिंग में, मनु भाकर मेडल से जरूर चूक गई है, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को प्राउड मोमेंट दे दिया है। क्या शानदार उन्होंने गेम खेला है कि हम सब शूटिंग देखने पर मजबूर हो गए, और यही खास बात होती है कि जब आप शूटिंग या कोई भी गेम देखते हैं तब आपकी दिलचस्पी बढ़ती है, और इसलिए बार बार ये अपील की जाती है कि जो बाकी के गेम है अगर आप उसको नहीं देख रहे तो देखिए। अपडेट, चौथे पोजीशन पर रही मनु भाकर और पेरिस ओलंपिक से बड़ी अपडेट, 25 मीटर पिस्टल की इवेंट में चौथे पोजीशन पर रही मनु भाकर, 2 पॉइंट से मामला चूक गई और क्वालिफिकेशन में तो नंबर 2 पर थी, लेकिन यहां पर मेडल से चूक गई, लेकिन घबराने की बात नहीं है, 2 मेडल जीत कर आ रही है मनु भाकर, 2 मेडल उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 2 जीते हैं, तो हिंदुस्तान को उन पर गर्व है, हमेशा रहेगा, क्योंकि ओलंपिक में कोई आसान गेम नहीं है, पेरिस ओलंपिक में मनु ने 2 मेडल जीते हैं।